हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मैं आपकी इंग्लिश मैडम आज आपके लिए एक पोएम लेके आई हूँ, क्लास सिक्स की। पोएम का क्या नाम है? ए हाउस ए होम। यह एक पोएम है जिसमें हमें एक हाउस और एक होम के बारे में बताया है कि हाउस क्या होता है और होम क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज ए हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट हार्ड्स, यह है ईंटों और पत्थरों से बना होता है जिस या लकड़ी जो बहुत हार्ड होती है। सम विंडो ग्लास इट्स इवर्स एंड चिमनीज, इसकी कई इसके अंदर कांच की खिड़कियां होती हैं, इसके अंदर एक चिमनी होती है। एंड टाइल फ्लोर, जो इसका फ्लोर होता है वो टाइलों से बना होता है। स्टुको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, इसके अंदर बहुत सारे दरवाजे होते हैं, खेलने के लिए स्विमिंग पूल होता है, बैठने के लिए यार्ड्स होते हैं, सोफे लगे होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हम एक हाउस कहते हैं। अब दूसरा आ गया हमारे पास होम, कि व्हाट इज ए होम, कि एक होम क्या होता है। होम क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली, ये एक फैमिली है जो सब जिसमें सब मिलजुल कर रहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? इट्स ब्रदर एंड सिस्टर, इसके अंदर ब्रदर होता है, सिस्टर होती है, एंड फादर एंड मदर्स, हमारे मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, दादाजी होते हैं। इट्स अनसेल्फिश, सेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वन, इसके अंदर हम बेकोई मतलब के एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, उनके सब काम करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इसको हम बोलते हैं एक होम। तो आज तुम्हें पता लगे हाउस क्या होता है? हाउस जो होता है सिर्फ एक ईंटों और पत्थरों से बना होता है, लेकिन होम वह होता है जिसके अंदर हम सब मिलजुल कर रहते हैं और हम एक दूसरे का काम करते हैं और जो हमारा प्यार है वो हम एक दूसरे को बांटते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।